आईपीएल 2023 की शुरुआत कल यानी 31 मार्च शुक्रवार से होगी और इस बार टूर्नामेंट का 16वां सीजन खेला जाएगा। आईपीएल के पिछले सीजन में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस विजेता रही थी। हार्दिक पांड्या के अगुवाई वाली गुजरात ने अपने पहले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि आईपीएल के 16वें सीजन का पहला मैच गत विजेता गुजरात टाइटंस और 4 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल 2 मैच खेले गए हैं। दोनों ही मैच आईपीएल 2022 में खेले गए थे और इन दोनों ही मैचों में गुजरात ने चेन्नई को शिकस्त दी थी। इस बार चेन्नई के साथ मुकाबले में गुजरात की टीम अपनी अजेय बढ़त को बरकरार रखना चाहेगी और टीम में अगर बल्लेबाजों की बात करें तो गुजरात की टीम जरूर चाहेगी कि किलर द मिलर यानी डेविड मिलर के बल्लों से रन निकले। हाल ही में साउथ अफ्रीका और इंडीज की सीरीज को देखें तो मिलर का बल्ला ज्यादा चला नहीं था। वहीं सबकी निगाहें शुभमन गिल पर भी बनी रहेंगी क्योंकि शुभमन गिल की हाल ही में भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही थी। कप्तान हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की भी टीम को लोअर ऑर्डर में जरूरत होगी और उनके साथ मिडिल ऑर्डर की बात करें तो अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो मध्यक्रम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। इसके अलावा यह देखने वाली बात होगी कि गुजरात की टीम के लिए विकेट कीपिंग कौन करता है क्योंकि गुजरात के पास मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा और केएस भरत के विकल्प मौजूद हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी के ऊपर गुजरात की गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी होगी। शमी का साथ देने के लिए मोहित शर्मा, प्रदीप सांगवान मौजूद होंगे और स्पिनर्स की बात करें तो राशिद खान पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। वहीं अल्जारी जोसेफ से भी गुजरात को काफी उम्मीदें होंगी। हाल ही में साउथ अफ्रीका के साथ हुए आखिरी T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ ने 5 विकेट झटके थे। साथ ही टीम में यश दयाल और राहुल तेवतिया भी मौजूद होंगे। इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो राहुल तेवतिया और ओडियन स्मिथ गुजरात के लिए इंपैक्ट प्लेयर्स के लिए बेहतर विकल्प होंगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इस बार टीम ने बेनिक स्टोक्स को काफी भारी भरकम रकम में खरीदा है तो टीम को उनसे काफी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। लेकिन हाल ही में आई एक खबर से चेन्नई की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है कि इस बार बेनिक स्टोक्स गेंदबाजी नहीं करते दिखाई देंगे, वो टीम में बतौर बल्लेबाज की तरह ही खेलेंगे। डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी पर इस बार सीएसके काफी निर्भर रहने वाली है। वहीं धोनी की बल्लेबाजी क्रम में आने पर भी काफी सवालिया निशान उठाए जाते हैं तो क्या इस बार कप्तान खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर लाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही मध्यक्रम में अंबाती रायडू और मोइन अली की भी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो टीम में बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। जडेजा और सेंटर की जोड़ी दूसरे टीमों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है लेकिन तेज गेंदबाजी में चेन्नई की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि काइली जेमिसन के चोटिल होने के बाद और मुकेश चौधरी के अभी तक चोट से पूरी तरह न उभर पाने के बाद दीपक चहर के अलावा कोई बड़ा नाम अभी टीम के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। टीम में टॉप क्वालिटी स्पिनर्स तो मौजूद हैं लेकिन तेज गेंदबाजी में टीम को थोड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। अगर अहमदाबाद की पिच की बात करें तो यह पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर मानी जाती है।